मालाट पूर्व के पठानबाड़ी इलाका में कई राजनीतिक संगठनों ने मिलकर चंबू में काठुआ और सूरत में 8 साल की मासूम बच्चियों के साथ हुई बलात्कार और हत्याओं के विरोध में एक मोर्चा निकाला, जिसमें शामिल हुई छात्रों छात्राओं सहित लोगों ने हाथों में नारों से लिखी तख्तियों के साथ विरोध जताया। और देश भर में हो रही ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने और मजबूत कानून बनाने की मांग की है। पेश है हमारे मुंबई की संवाददाता राजकुमार मंडल के साथ अखिलेश सिंह की एक खास रिपोर्ट। आज पे जो ये देवकर के मर्डर हुआ है उसके बारे में क्या कहना है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान के जो हालात पंद्रह दिन से देख रहे हैं, यानी पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, चाहे कश्मीर का जम्मू कश्मीर का कठुआ हो, चाहे उन्नाव हो उत्तर प्रदेश का, चाहे गुजरात का सूरत हो, हर जगह बलात्कार, रेप के सिवा कुछ भी नहीं, सजा कुछ भी नहीं। और मैंने पहली बार ये देखा है कि सरकार के अंदर, मेरी 70 साल होने को उम्र आई, 50 साल मुझे बस्ती में हो गए, मैंने ऐसे हालात कभी नहीं देखे, ऐसी सरकार मैंने कभी नहीं देखी। और सबसे बुरी बात यह है कि बलात्कारियों ने इतना बड़ा जुल्म किया है और उनको बचाने के लिए मिनिस्टर आ जाते हैं, आमदार आ जाते हैं, नीचे की सरकार आती है, मोदी के ऊपर की सरकार आती है, मैंने ऐसी सरकार कभी नहीं देखी है। मैं इतना बताना चाहता हूँ, इस मोदी सरकार से पूरा हिंदुस्तान परेशान है। हर उत्तर प्रदेश में मोहल्ले मोहल्ले में जाओ और वोट लगे हुए हैं कि कोई महिला बाहर नहीं निकलेंगी, कोई बीजेपी का आमदार नहीं आना चाहिए, बीजेपी का मिनिस्टर नहीं आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की पूरे हिंदुस्तान में दहशत चल रही है। तो भाई, मेरी पठानबाड़ी की बस्ती की तरफ से मैं इसका खेद करता हूँ, उसका विरोध करता हूँ, और जितने भी आरोपी है उनको उसको एक हफ्ते में या तो जनता के हवाले कर दो या तो फांसी दे दो। एक बच्चे के साथ जो हुआ उसका निषेध कर रहा है, पूरे देश में निषेध चल रहा है। और आज हर घर में एक बोर्ड लगाना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी से सावधान, घर में कोई भारतीय जनता पार्टी के लीडर को घर से घर पे नहीं रहना है कि हमारे घर पे हमारी माँ बहन रहती है, उसके लिए आप भी आज सब घर में सब गली में हर मोहल्ले में एक बोर्ड लगाना पड़ेगा। और आसिफा को इंसाफ भी मिलना चाहिए, जो लोग आसिफा के जिन्होंने बलात्कार किया है और उनको बचाने के लिए जो हिंदू संगठन रास्ते पे उतर रही, जो भारतीय जनता पार्टी के आमदार और मंत्री जिन्होंने उनको बचाने की कोशिश की, उनका सबका निषेध यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे पठानबाड़ी में जमा आए दिन जी हो रहे हैं। एक आसमान है और सारे बच्चे और है ना, सोचता उसके लिए क्या आप बस बीजेपी सरकार ही दोषी है, उसको दोषी मानते हैं? आज 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 बिल्कुल ये सच है कि यूपी में बलात्कार हुआ है, अगर बलात्कार किसने किया है तो भारतीय जनता पार्टी का आमदार है, और गुजरात में बलात्कार हुआ है वो किसने किया है तो भारतीय पंथी का माजी आमदार है, और आज जो कश्मीर में हुआ है, जो 8 साल की बच्ची के साथ हुआ है, जो मंदिर में किया गया है, और उसके पीछे भी कौन है तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, और तो उसका निषेध जितना कम करना। स्मृति ईरानी के लिए मैसेज है कि जिस वक्त निर्भय कांड हुआ था उस वक्त उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेजे थे। अभी जो हमारे ऑनरेबल मिस्टर मोदी जी है उनके लिए क्या चूड़ियाँ भेजेंगे क्या? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, वेरी गुड। लेडीज लोग के लिए आज वो लेडीज नहीं है, और अभी इसका भी उन लोग हिंदू मुस्लिम बनाएंगे, क्या हिंदू मुस्लिम सब है? सब एक साथ। ये हिंदू मुस्लिम, ये वैश्य गद्दी है, ये जो बीजेपी महिला की बात है, लेकिन ये जाएगी बूथ लेवल पे,
ये ऐसे ही होता है यहाँ पर जरा सा होगा। हालांकि ये नहीं, हम हिंदू मुस्लिम सब एक है, यहाँ भी इतना भी देखो भाई सब हिंदू मुस्लिम है। जी ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हिंदू राष्ट्रीय एकता मंच वाले जो है वो इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल्प्रेट्स के खिलाफ, इस वजह से ये बात आ रही है। ये वैशी गर्दी है और जो वैशी गर्दी को सपोर्ट करेगा वो खुद वैशी है। बेशक हाँ, और जितने भी सपोर्टर्स है इस चीज के सपोर्टर्स है सब वैशी है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए इस संबंध में ताकि ऐसे दोबारा घटना ना हो? सरकार इतने बड़े बड़े कदम उठा रही है गाँव के लिए, डियर के लिए, उनके लिए उनके पास है, इनके लिए नहीं है, क्योंकि ये लेडीज है, लेडीज लोग के लिए नहीं है, तलाक के लिए है, हर चीज के लिए कदम है, उनके पास खुद के पास होना चाहिए कदम। हम कौन होते हैं बताने वाले, उनके सब गाँव के लिए है ना, डियर के लिए है ना, मासूम बच्ची के लिए कड़ा से कड़ा जो है आज हम लोग कानून आना चाहिए। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, बाद में एडिट करेंगे। बोलो 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 आप धरो मत, आराम से बोलो मत, रोम घर में छोड़े हो बच्ची उठा के छोड़ी, किसका क्या जुल्म करती जाके हर जगह पे ढूंढे वो लेंगे उसको जाके मंदिर के बाहर ऐसा काम करके उनको जानती हूँ। वो आपके गांव की नहीं पूरे देश की बच्ची है जो हुआ उसके साथ बहुत गलत हुआ है। देश उसका कुछ भी नहीं, हम लोगों को चाहिए, लेकिन उस लड़के का हिसाब जो लेगा तो उसको अल्लाह बहुत मेहरबान होगा उसके ऊपर। हम लोग इंसाफ दिलाएंगे आसिफा को, बच्ची को लिए हम लोग दिन रात रो रहे हैं। फहीम खान हूँ पठानवाड़ी से, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो ये लोग देख रहे हैं ये यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं। आसिफों को इंसाफ दिलाना ये हर भारतवासी का, हर नागरिक का फर्ज है। आसिफा के साथ ऐसा हुआ इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान लड़की के साथ हुआ, ये कौन जाति के साथ हो सकता है। तो हम यही चाहेंगे, हम ये भाजपा सरकार से हमारा ये कहना है कि इस के जो भी कल्प्रिट है इनको कड़ी सजा दी जाए, फांसी भी इनके लिए कम होंगी। इनको तो शरिया कानून के तहत जिस तरह से संसार कर दिया जाता है, बीच चौराहे पे ले जा करके फांसी पे लटकाना चाहिए। ये हमारी मांग है सरकार से, और ये भाजपा वाले जो इनके फेवर में आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोगों को शर्म आ रही है ऐसे लोगों पे जो इंसानियत के नाम पे कलंक है। एक धब्बा है एक हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है, इसके लिए ये सरासर कलंक है। हमें आसिफा के लिए इंसाफ चाहिए, और जब तक जल्द से जल्द चाहिए, और कड़े से कड़े कानून के तहत इसके लिए इंसाफ चाहिए। अगर आसिफा को इंसाफ नहीं मिला तो हम ये भारत वर्ष का जो नागरिक है वो यही समझेगा कि यहाँ का जो है संविधान जो है खत्म हो गया है, और इसका जो है संविधान से और जुडिशरी सिस्टम से इसका जो है भरोसा उड़ जाएगा। इस वजह से हमको चाहिए कि आसिफा के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, और जो भी मुजरिम है चाहे वो हिंदू हो चाहे जो भी हो उसको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, यही हमारी मांग है। ये जो सजा का प्रावधान आप बता रहे हैं, जो सजा मिलनी चाहिए ये सभी बलात्कारियों के लिए होनी चाहिए। जरूर जरूर सभी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिस तरह से प्रावधान जो शरिया कानून के तहत है, मैं तो कैसा हूँ अगर उस तरह का शरिया कानून हिंदुस्तान में लगा दिया जाएगा तो ये बलात्कार का जो है परसेंटेज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। छोटी छोटी लड़कियां बन जाएगी, नहीं खेलने की जगह बच्ची लोग को, डर लगता है हम लोग को कि बच्ची को नहीं बाहर छोड़ सकते हम, क्या करेंगे हम लोग उन्नाव का, चाहे हिंदू हो सिख हो मुसलमान हो या ईसाई हो कोई भी हो, बेटियों सबकी एक ही है। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? सरकार को, सरकार मानते हैं सरकार। उनके ऊपर इन लोगों ने
होम मिनिस्टर यांना आमचा सर्व पब्लिकचा हिंदू असो मुसलमान असो मराठी असो ईसाई असो कसाही असो कोणी कोणी पण असो द्या परंतु त्याला न्याय मिळायला पाहिजे. न्याय हा मोदी सरकार नाही आहे. जे काश्मीर मध्ये कांड झालेलं आहे त्याला त्यांना तुम्ही असं सोडून दिलं काही केलेलं नाही ते हे सरकार कशाला म्हणतात. आणि लेडीज साठी सर्व कायदे आता यांचे कायदे का झोपलेले हे लोक कायद्याचा याच्यावर बहिष्कार टाकताय. कायदा बरोबर देत नाही हा कायदा कोणी बनवलेला आहे. भारत रत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हा कायदा बनवलाय आणि त्यांच्या यांनी होम मिनिस्टरला पण सांगायचं आहे की जे स्त्रियांवर अत्याचार होतात स्त्रियांवर एवढा हक्क आहे. लहान मुली शाळेत जातात कॉलेजला जातात कुठेही जातात. काश्मीर मध्येच नाही हे काम झालेलं आहे. हे काम सुरत मध्ये झालेलं आहे पुण्या मध्ये झालेलं आहे विरार मध्ये झालेलं आहे आणि बहुतेक टीव्ही मध्ये बघतो. पण सरकारने काही ऍक्शन तर अशा सरकारवर बहिष्कार टाका. यांना सरकार वापरायचा काही अधिकार नाही. बरोबर आहे बरोबर आहे. हिरण बचाव है. हिरण के मारने में 5 साल की सजा हुई है. बेटी के मरने में किसी को भी सजा नहीं मिल रही रखा गया था जेल में. मोदी की सरकार आई रातों रात फांसी दी गई. माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया. फिर याकूब मेमन पकड़ा गया रातों रात कोर्ट 2 बजे चालू हुआ था जो बंद हो जाता 6 बजे. अब ये रेप केस है तो यहाँ पे इनका क्यों सिस्टम स्लो हो गया. रेप अभी बोल रहे मोदी सरकार की क्या गलती है इसमें. रेप तो दूसरे ने किया. रेप सिंपल है. जब रातों रात मोदी जी नोट चेंज कर सकते हैं गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं सरकार पलट कर सकते तो एक रूल नहीं ला सकते कि हो गया साबित सीधा फांसी डाल दो. बलात्कारियों को तुरंत सजा दी जाए. इतना लेट कर रहे तो सबका हिम्मत बढ़ रही है. बोले अच्छा है यहाँ पे खाने पीने को नहीं मिल रहा बलात्कार करो. 1.5 साल तक इंक्वायरी में जाएगा खाने पीने को जेल में मिल जाएगा. उसके बाद क्या होगा मालूम नहीं. ये इंडियन गवर्नमेंट का लॉ ही है. इंक्वायरी पे इंक्वायरी इंक्वायरी इससे सबकी हिम्मत बढ़े. यूँ हुआ साबित बीच रोड में लाया जाए और ये कुछ नहीं फांसी उसी कुल्हाड़ी आती है ना सर कुल्हाड़ी लाके एक एक पार्ट काटा जाए और इसी वीडियो वायरल की जाए तो ये देख के ना दूसरे को हिम्मत बोले नहीं भाई ऐसा सजा मिलती है. थोड़ी दर्दनाक सजा होना चाहिए सब चीज़ नॉर्मल सजा देगा इंक्वायरी के लिए. इसकी वजह से ये हो रहा है. अभी इसका मैटर ख़त्म नहीं हुआ. गुजरात का हो गया. मैं तो आज भी सुना कि हरियाणा में 5 क्यों हुआ. आज के दिन हरियाणा में 5 2 अभी कन्फर्म हुआ अभी 3 बाकी है. अभी हुआ नहीं है. अभी उड़ती उड़ती खबर क्या कानून व्यवस्था और सुस्त बहुत चुस्त है. बहुत चुस्त है. जब ये ना ये मैं हिंदू मुसलमान के हिसाब से नहीं बोल रहा. ये बहन बेटी है. ऐसा करते समय सोचा नहीं है कि बहन बेटी है. तुम्हारे घर में भी माँ बहन है. ऐसा देखो 8 साल की बच्ची थी वो. पहले 8 जन मारने के बाद भी वापस से किया गया. बोला मार दिया गया पत्थर मार दिया गया. बोले मुझे वापस से करना है ऐसा कर रहे और उसके बाद फेंक दिया गया. ओके तो ये गवर्नमेंट स्लो है. ठीक है इसको फास्ट रूल लाना चाहिए. गवर्नमेंट फास्ट तुरंत इंक्वायरी. रेप केस में कोई इंक्वायरी नहीं. अदर कंट्री से हुआ चाइनीज से मेडिकल जहाँ हुआ सीधा सजा है उसको. आयरलैंड है 4 दिन के अंदर उसको उसके ऊपर सजा है. 4 दिन के अंदर साबित हो गया तो उसको मौत की सजा है. कोई इंक्वायरी नहीं है. तो इंडियन गवर्नमेंट को वैसा होना चाहिए. दूसरी कंट्री से हो जाएगी.